मोहाली दे पिंड कुंबड़ा दे वासियां वल्लों अज नगर निगम वल्लों जारी की गई प्रॉपर्टी टैक्स नंबर प्लेटा दे विरोध दे विच धरना लगाया गया ते नगर निगम मोहाली अते पंजाब सरकार दे खिलाफ नारेबाजी की गई अते कहा गया कि पासे ते पंजाब सरकार गरीबां दे हित दी गल करदी है ते दूजे पासे टैक्स लगा के मोटी वसूली करदी है। मैं सारी पहला प्रेसल वीर तहे दिलों धन्यवाद करता है जबकि पिंड की जो भी कोई आवाज़ होंगी है तुम थोड़े जरिए असी सरकार प्रशासन को अनुशासन में भेजते हैं तो गल प्रॉपर्टी टैक्स की है। प्रॉपर्टी टैक्स सा पिंड जो ला रहे हैं जबकि शहर वाली सहूलत बार बार हर एक इलेक्शन हर एक वोटा च हर एक MP MLA ये करता भी सानू शहर वाली सहूलत देंगे पर लेकिन शहर वाली सहूलत हले एक भी नहीं मिली जबकि सैक्टर 68 च पिंड है सैक्टर 68 च MC जो भवन है जो अपने सैक्टर चो शहर वाली सहूलत नहीं दे सकी अज तक तो असी पिछला जो 2015 तो जोड़ा है पिंड 8 साल हो गए लगभग पिंड टू कारपोरेशन आया अज तक जिहड़ियां गलियां नालियां ओवरफ्लो सीवरेज जगह जगह फुटपाथां की बुरी हालत है धर्मशालां की बुरी हालत है तो पिंड च कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं जंज घर नहीं बनया असी बार बार लिखती दरखास्तां कंप्लेटां दे के थक गए इत्थे लगभग 8 बंदे की मौत हो चुकी होनी जो असी जिहड़ियां लाइटां बारे स्पीड ब्रेकर बारे लिखती कमिश्नर नूं लिखती सरकार नूं लिखती मेयर नूं बहुत बारी दे चुके हैं पर लेकिन कंधे चों नहीं सरकी पर लेकिन हुण जिहड़े सरकार ने थोनों मैं कल दिखा देना एक असी कल इत्थे जनानियां ने औरतां ने वह टीम भजाई है इस तरह दी जिहड़ियां प्लेटां लोहे दीआं प्लेटां आईआं ये कले कले घर अगे ला रहे भी तुम प्रॉपर्टी टैक्स दो लेकिन 8 साल का दो 15 तो टैक्स अज तक बनता है जबकि ये लोगों को लखा रुपया टैक्स भराना पैना तो जोड़ा बंदे को अज जे सा 90% ऐसे परिवार हैं गरीब जोड़े डेढ़ दो मरले च तीन परिवार बैठे हैं जिमें एक परिवार च तीन भरा होंगे ने एक ग्राउंड फ्लोर के एक दूजी एक तीजी के तीन तीन मजलों जोड़ा एक भरा रह रहा दसो डेढ़ मरले वाला किमें इन्हों टैक्स देगा एक पास सरकार ऐलान करती सी पिछे कांग्रेस के वेले भी पांच मरले दे 100-100 गज के प्लाटा के कोई जरा टैक्स नहीं होगा पर लेकिन तुम पिंड जाके देखते हैं जिदा एक मरले का भी प्लाट है एक मरले का मकान है उस भी जिहड़ियां नंबर प्लेटा जिहड़ियां हैगियां लाई हुई जिहड़ियां भी नाले लिखता भी जिहड़ा दूजे तरह करो जी PayTM कर दो होर कर दो जिवें मर्जी पैसे कर दो तो जिहड़ा असी पूर जोर अपील है सरकार नूं बेनती है तो असी पहला अज बेनती करते थोड़े राही एक मैसेज सुनेहा देना चाहते हैं पर लेकिन जे सरकार ने जिहड़ा अपना फैसला पिंड जिवें साढ़े 6 पिंड मैं कल पिंड कुंबड़े की गल नहीं करता जिवें गल मटौर की गल कर लिए गल सुहाने की कर लिए गल स्याही माजरे की कर लिए बाकी भी पिंड साढ़े नाल है जिन्होंने जोड़ा टैक्स हैगा वो सारे टैक्स पे करने वास्ते जिहड़ियां प्लेटा लाई गई असी कट्ठे हो गए जिहड़े 6 पिंड है पिंड आए हुए कारपोरेशन वो कट्ठे हो गए किसी दिन DC का या इत्थे दे जिहड़े MLA उहदा घराओ भी करनगे तो जेकर दे सरकार ने साडा मैसेज सुनेहा ये ना मन्निया असी कहिंदे पुरजोर जिहड़ी अपील है सरकार नूं अज असी तुहाडे राहीं अपील करना चाहुंदे हां वी सरकार दा जिहड़ा टैक्स लेना पिंड वालां तों ओह माफ करना चाहीदा। लाल डोरे दे अंदर एक इंस्पैक्टर ने इत्थे सब तों वड्डी तुहानूं इक गल दसदा एक गुरप्रीत नाम दा इंस्पैक्टर है एक लेडी जिहड़ी गगनप्रीत नाम दी इंस्पैक्टर है जिहड़ी कल कल्ले व्यक्ति नूं जदों कोई छोटा जिहा किसी ने चलानी छत्तणी है या किसी ने 4 टीनां पाउणियां किसी ने छोटा जिहा कमरा पाउणा उहनूं जदे नोटिस देण आ जांदे जदों उहनां तों 10-20 हज़ार रुपया बटोर लैंदे एक नोटिस कट के फिर वो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते अब बहुत सारे केस ने जोड़े वो इंस्पैक्टर तो पीड़ित हैं लोग बिल्डिंग इंस्पैक्टर की गल कर रहे हो साढ़े ही पिंड से 8-8 10-10 मंजिला इमारत बन रही है इलीगल बन रही है सबनों पता पर क्या ये MC ऑफिस में दिखता नहीं है MC ऑफिस में नहीं पहला सब तो पहला साढ़े MC दिखता है जो उस वार्ड का MC है पहला तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है उस बाद साडा जिहड़ा टैक्निकल टीम है जिवें संबंधित इंस्पैक्टर है उसके उपर एक्शन है SDO है उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होए एक इतने का जिहड़ा करता धरता दरेश कुमार दत्ता जिहड़ा चीफ इंजीनियर है
एक नरेश कुमार दत्ता जी की अगुवाई सारा जो है वे पद्धर से घपला चल रहा करप्शन जी 101% नहीं कहते 150% करप्शन चल रही है। मैं कहना जो नगर निगम मोहाली है यह करप्शन का अड्डा बन चुका है। असी बहुत बारी विरोध कर लिया पर लेकिन इतने कोई सुनने वाला नहीं है। जेकर इन्हों की प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग इंस्पैक्टर ला लै एक्शन ला लै एस डी ओ ला लै जो इन्हों की बिल्डिंग जो इन्हों की प्रॉपर्टी की कोई जांच करिए जिमें साडे मुख्यमंत्री जी हुण कहिंदे फलाना मंत्री है ढमकाना पर वह तो लंघ गए। जिहड़े ऑन ड्यूटी है इन्हों की भी जांच करनी जरूरी है भी इन्हों की जांच तो कर लो भी ये किन्ना क पैसा कमा रहे हैं कितने कितने प्रॉपर्टी है। कहीं मैं ये सुनया जो बिल्डिंग इंस्पैक्टर है एस डी ओ एक्शन है उन्होंने कलोनिया भी हिस्से है कई पर लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पिंड वालों का जिहड़ा है पूरा असीं जिहड़ा सॉलिड है एक कल्ले कुंबड़े की गल नहीं कर रहे असीं बाकी पिंडां नाल भी जिहड़ा तालमेल तैयार कर रहे हैं। कोई बंदा जिहड़ा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भराऊगा जदों तक शहर वालियां सहूलतां नहीं पिंड वालियां नूं मिलदियां। मेन जी सरकार है सरकार जो बड़े बड़े वादे किसे थी उन्हें जी छे छे गरंटियां करी थी वो गरंटी चो एक भी गरंटी नहीं पूरी हुई जी छे कमेटी वालों लगाया गया नगर निगम वालों नगर निगम प्रॉपर्टी जी नगर निगम किदे अधीन है वो उपर तो डायरेक्शन किनू आंदी इहदा मंत्री कौन है जो मंत्री मंत्री डायरेक्शन करता कमिश्नर कमिश्नर कर दी थले हदायत अपने टैक्निकल स्टाफ नो गरीब तबके के लोग रहते उन्होंने घर से रोजगार नहीं है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उसके बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स लाया जा रहा है रोजगार बारे की कहना चाहोगे। मैं क्या रोजगार सरकार ने किया जो बेरोजगार नौजवान है उन्होंने 3000 रुपया पर मंथ महीना जो भत्ता मिलेगा पर लेकिन जो बाकी नौकरी मिलेगी लेडीज़ को जो 1000-1000 रुपया महीना दिता जाएगा 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी जिमीदारों बिना गिरदावरियां 20-20000 रुपया उन्होंने खातों में पाया जाएगा पर एकड़ जो कोई नुकसान होंगे पर अज मैनू तो कितने दिखता नहीं जो थानू किसी ने बाइयों में दिखता होए तो यह दस जान जी 6 गरंटियां दीतियां सी तो फैल हो गई पर एक गरंटी बिना गरंटी तो जो नशा कल कली गली विक रहा चाहे वह पिंड कुंबड़े की गल कर लियो चाहे वह पूरे पंजाब की गल कर लो। एक आखिरी सवाल साढ़े पिंड दो MCA ने मौजूदा सिर्फ अपना माण भत्ता ना देखो 25000 या 30000 या 20000 रुपया यह पब्लिक वाल देखो जिन्होंने थोड़ा वोटा पा के जताया शायद थोड़ा इन्होंने बार च फिर दुबारे जाना पवे। मैं MCA थोड़े राही भी कहना चाहना वो MCA जाग जाना चाहिए जेकर ये चापलूस बन के MLA दे या मंत्री दे या सरकार दे चापलूस बन के काम करना जिमें पहले मंत्रियों का MLA का हल होगा कल MCA का नहीं यही MLA का हल होगा जिमें पहला होया देखा थोड़े सामने सारा जो पब्लिक को पता भी की हाल हो रहा है।